हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेम से ये सिलेबस रखा हुआ है मेरे पास। तो हम एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूनिट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आपको मैंने प्लेलिस्ट बना ली है अलग से एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की थर्ड सेमेस्टर की, तो इसको आप चेक जरूर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट टू, ठीक है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम इसका जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे ये सिमेट्री एंड शेप ऑफ AB2, AB3, AB4, AB5 एंड AB6, ठीक है। तो यहाँ का जो है हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं चारों सेमेस्टर के, तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ सिमेट्री एंड इसके ग्रुप थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन स्टेट क्वांटिटाइज्ड होती है, प्रत्येक स्टेट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी के कैरेस्पॉन्ड होती है। मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल चेंज एनर्जी के ऑब्जर्वेशन से हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशनल चेंज एनर्जी होती है वो किससे हो सकती है, ऑब्जर्वेशन से हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एक डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के, डाई एटोमिक यानी दो एटोम, ठीक है, दो एटोमिक दो एटम से बने हुए मॉलिक्यूल के केस में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की ही पॉसिबल है। मॉलिक्यूल्स हाई एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल से अटेन करने के लिए एक एनर्जी के वन क्वांटम को ऑब्जर्व करता है। इस स्टेट में दो एटम लोअर वाइब्रेशन स्टेट के कॉम्प्रोमाइज में एक्सटेंड तथा स्ट्रेच एंड कंप्रेस्ड होते हैं। ये एनर्जी लेवल फॉलोइंग डायग्राम द्वारा शेक किए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है कि दो एटम मॉलिक्यूल के केस में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ही पॉसिबल होती है, ठीक है। जहाँ दो एटम मॉलिक्यूल होगा वहाँ क्या होगा, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ही पॉसिबल होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल हाई एनर्जी वाइब्रेशन लेवल में अटेन करने के लिए एक एनर्जी के वन क्वांटम को ऑब्जर्व करता है। क्या कह रहा है इसमें कि जो मॉलिक्यूल जो होता है वो कितना होता है, हाई एनर्जी वाइब्रेशन लेवल से अटेन करने के लिए, ठीक है, एक एनर्जी के वन क्वांटम को, ठीक है, हाई एनर्जी के एक एनर्जी के वन क्वांटम को ऑब्जर्व करता है, ठीक है, अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। इस स्टेट में दो एटम लोअर वाइब्रेशन स्टेट की कंपोजिशन में एक्सटेंड तथा स्ट्रेच एंड कंप्रेस्ड होते हैं। ये एनर्जी लेवल फॉलोइंग डायग्राम द्वारा शो किए जाते हैं। अब वो आगे देखेंगे हम। अब आगे देखिएगा तो वाइब्रेशनल लेवल के हर एनर्जी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होती है, E-PE सेम नहीं होता, KE मतलब के बराबर नहीं होता है, सेम होती है, ठीक है। स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग पर एनर्जी कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसमें एनर्जी में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। बाकी सभी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सम होती है। अब वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी फॉलोइंग इक्वेशन द्वारा शो की जाती है। आगे देखते हैं। अब EB बराबर HμV प्लस 1/2। यहाँ पर क्या है, वी क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम है, ठीक है। वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ वी की क्या है, हम इसमें इसकी वैल्यू कितनी रह सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं। और एच यू क्या है, ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट वाइब्रेशन स्टेट के बीच एनर्जी डिफरेंस है। और वेन वी क्या है, ये जीरो स्टेट एनर्जी, इसके बदले में ये क्या लिख सकते हैं, E0 बराबर 1/2 Hμ, ठीक है। आगे देखते हैं। द वाइब्रेशनल लेवल के बीच सेपरेशन नॉर्मल IR रेंज 4000 सेंटीमीटर -1 to 250 सेंटीमीटर -1 के कैरेस्पॉन्ड होता है। एक मॉलिक्यूल की IR फ्रीक्वेंसी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक मॉलिक्यूल की IR फ्रीक्वेंसी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है, जितना बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा उस पर डिपेंड करेगी, जिसका ऑर्डर 3 बॉन्ड यानी 3 बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड एंड फर्स्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मतलब कि बॉन्ड कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा या थर्ड होगा, ये क्या किससे पता चलेगा, एक मॉलिक्यूल IR की फ्रीक्वेंसी किससे पता चलेगी, बॉन्ड के स्ट्रेंथ से। आगे देखते हैं। अब IR रेंज के लिए सिलेक्शन रूल ∆V बराबर +-1 V0
वी वन मोर इंटेंस यानी कि फंडामेंटल बॉन्ड, वी नॉट का वी टू यानी लेस इंटेंस, और ये भी ठीक है थर्ड भी इस तरह से आगे देखेंगे। ये एनर्जी लेवल दिया गया है रे इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब यहाँ पर देख लीजिए आप वी बराबर जीरो टू वी बराबर वन फंडामेंटल बॉन्ड है ये ठीक है, और ये क्या है वी बराबर जीरो टू वी टू फर्स्ट, और ये वी बराबर जीरो टू वी थ्री क्या होगा सेकेंड होगा, यानी कि ओवरटोन बॉन्ड होगी ये ठीक है। आगे देखिएगा पॉली एटमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटमिक मॉलिक्यूल के केस में सेवरल मोड ऑफ वाइब्रेशनल होते हैं। एक मॉलिक्यूल में एन एटम के साथ एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग डी थ्री डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम होगी, इसलिए यहाँ थ्री एन वाइब्रेशनल पॉसिबल है। हालांकि हर एक एक्सिस के साथ रोटेशनल एंड ट्रांजिशन पॉसिबल है जो लोअर एनर्जी को इन्वॉल्वेड करते हैं, इसलिए फोर आईआर रीजियन एंड माइक्रोवेव रीजियन में अब्सॉर्ब में थ्री एन माइनस सिक्स होंगे। ये फैक्ट बेंड एबी टू टाइप मोलिकुल के केस में कॉरेक्ट है। लीनियर मोलिकुल के केस में मोलिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेशनल पॉसिबल नहीं है ठीक है। आगे देखिएगा इसलिए 3n 5 पॉसिबल वाइब्रेशन पॉसिबल होंगे। बेंड मोलिकुल 3n 6 और ये नो पॉसिबल 3n 5 लीनियर मोलिकुल है ये ठीक है। इस फैक्ट को समझने के लिए हम एक्चुअल वाइब्रेशन को कंसीडर करके फॉलोइंग मोड प्राप्त करते हैं। स्मॉल मोलिकुल्स के केस के पॉसिबल वाइब्रेशन को वेसोलिसिस करना पॉसिबल है, बिगर मोलिकुल के केस में डिफिकल्ट है। आगे यह इमेजिन करना डिफिकल्ट है कि क्या एक वाइब्रेशनल डाइपोल मोमेंट में चेंज उत्पन्न करता है एंड मोलिकुलर आईआर एक्टिविटी है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में ग्रुप थ्योरी का इम्पोर्टेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर देखेंगे हम फर्स्ट ए बी टू टाइप मोलिकुल। अब यहाँ पर देखिएगा ये किस तरह से हो सकते हैं, ये लीनियर होते हैं ठीक है, और बेंट या वी शेप्ड होते हैं ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है CO2 C2H4IF2 ठीक है, 3N5 वाइब्रेशनल होगा और यहाँ पे बेंट वी शेप्ड होंगे H2O SO2 और H2S 3N6 हो गए, पॉसिबल होगा वाइब्रेशनल ठीक है। एक मिनट ये आप भी देख सकते हैं, आगे देखेंगे। अब फर्स्ट है लीनियर मॉलिक्यूल AB2 टाइप। तो एक लीनियर मॉलिक्यूल में डी अनंत एच पॉइंट ग्रुप कंसिस्ट करता है। फॉर्मूला है 3N5 यानी कि 3×3−5 तो 4 पॉसिबल वाइब्रेशनल होगा। स्ट्रेचिंग होगा इस तरह से, वाइब्रेशनल सिमेट्री और ये असिमेट्री इस तरह से ठीक है। आगे देखते हैं मेगा जी प्लस 4 मेगा 4 प्लस पाई 4 आईआर रमन, आईआर होगा 2 रमन होगा 1 और रमन पेलराइज्ड होगा 1। बॉन्डिंग अब यहां पर देखेंगे OCO यानी ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन इन प्लेन सिमेट्री, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं OCO या आउट प्लेन यानी ट्विस्टिंग असिमेट्रिक। अब उपरोक्त चार वाइब्रेशन में से VS डाइपोल मोमेंट में चार प्रोड्यूस नहीं कर सकता इसलिए यह वाइब्रेशन IR इनएक्टिव होगा, जबकि YAS SPI IR एक्टिव वाइब्रेशन होंगे। हालांकि ये डेल एंड पाई डिफरेंट वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल है, यह पर एक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए इक्विवेलेंट है इसलिए यह डीजनरेट है। आगे देखेंगे अब C2 मॉलिक्यूल के IR स्पेक्ट्रम में 2349 सेंटीमीटर -1 एंड 667 सेंटीमीटर -1 पर IR बॉन्ड प्राप्त होते हैं। ये बॉन्ड वेस वाइब्रेशनल असिमेट्रिक एंड डेल एंड पाई के कॉरस्पॉन्ड होते हैं। 1388 सेंटीमीटर -1 एंड 1286 सेंटीमीटर -1 एंड 1286 सेंटीमीटर -1 पर 2 बॉन्ड फेर्मिक रिजोनेंस के कारण प्राप्त होते हैं। सिमेट्री कंसीडर से IR स्पाइरल बॉन्ड का असाइनमेंट डिफरेंट किया जा सकता है। सेकेंड नंबर में है
बेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको पहले हमने लीनियर पढ़ा, अब बेंट मॉलिक्यूल पढ़ेगी। बेंट मॉलिक्यूल में पॉसिबल वाइब्रेशन, फर्स्ट है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, ये इस तरह से होगा। यहाँ बोथ एटम भी एक साथ स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेस्ड होते हैं, और फर्स्ट है ये, सॉरी बी नंबर में ही ये असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, तो ये इस तरह से होगा। यह वन बॉन्ड स्ट्रेचिंग एंड अदर बॉन्ड कॉम्प्रेस होता है। अब सी नंबर में है बेंडिंग इन प्लेन साइसोरिंग एंड रॉकिंग, थ्री एटम सेम प्लेन में होंगे। और ये डी नंबर में है बेंडिंग आउट ऑफ प्लेन, ये माइनस में ये इस तरह से, ठीक है, ये नेकिंग होगा, ये ट्विस्टिंग होगा। आगे देखेंगे, आगे है इस मॉलिक्यूल में एटम सेम प्लेन में नहीं होते, ये भी टू टाइप के हो सकते हैं। प्लस शाइन शो करता है कि एटम प्लेन के अबव जा रहा है, एंड माइनस शाइन शो करता है कि एटम बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब सिक्स वाइब्रेशनल में से रोकिंग वेकिंग एंड ट्विस्टिंग एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग रोटेशन का पार्ट है, आई या रीजियन में ये अब्सॉर्प्शन शो नहीं करते, इसलिए पॉसिबल वाइब्रेशनल सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल बेंडिंग साइसोरिंग है। आगे देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड 3 एंड माइनस 6 बराबर 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 बराबर 3 करेक्ट है। एग्जांपल है 1 SO2 मॉलिक्यूल, SO2 मॉलिक्यूल का CTV पॉइंट ग्रुप होता है, इसलिए 3 IR बॉन्ड्स VS वास एंड S प्राप्त होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बॉन्डिंग वाइब्रेशन से ज़्यादा एनर्जी के होते हैं, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग से ज़्यादा एनर्जी के होते हैं, अर्थात ऑर्डर VAS VS ये बड़ा होता है ये डेढ़ से। आगे देखेंगे, प्लेन सॉरी आउट ऑफ प्लेन IR एक्टिव प्लेन को पाई से SO2 मॉलिक्यूल के IR स्पेक्ट्रम में हाई इंटेंसिटी के फंडामेंटल बैंड हाई एनर्जी V1 361 सेंटीमीटर माइनस 1 V1 1151 सेंटीमीटर माइनस 1 एंड V3 519 सेंटीमीटर माइनस 1 पर ऑब्जर्व किए गए हैं, जो क्रमशः VS VAS एंड S वाइब्रेशनल के कॉरस्पॉन्ड है। अब 1871 सेंटीमीटर माइनस 1 23005 सेंटीमीटर माइनस 1 और 2499 सेंटीमीटर माइनस 1 एंड 606 सेंटीमीटर माइनस 1 पर कॉम्बिनेशन बॉन्ड प्राप्त होते हैं। आगे है H2O मॉलिक्यूल, तो AB2 टाइप बेंट मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल के एग्जांपल द्वारा इसकी IR एक्टिविटी एंड पॉसिबल वाइब्रेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। हम H2O मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल पॉसिबल वाइब्रेशनल एंड उसके IR अब्सॉर्प्शन को कंसीडर करें तो ये मॉलिक्यूल C2V पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करता है, क्योंकि सभी एटम के पास XYZ एक्सिस को अलोंग 3 degrees ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम होती है। तो किसी मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन का टोटल कैरेक्टर उस टोटल नंबर ऑफ एटम को फाइंड करके ऑब्टेनेड किया जा सकता है, जो सिमेट्री ऑपरेशन को परफॉर्म करने में कंट्रीब्यूट होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल ऑपरेशन को परफॉर्म करने पर हर अनशिफ्टेड एटम के टोटल कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है। उपरोक्त दोनों कंडीशन का सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है। उपरोक्त दोनों कंडीशन का सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल कैरेक्टर देता है। NO0 ऑफ अनशिफ्टेड एटम को पैरेट करने के लिए मॉलिक्यूल का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, एंड नंबर ऑफ एटम अनचेंजेड रहते हैं। प्रत्येक अनशिफ्टेड एटम को कंट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए XYZ एक्सिस पर ऑपरेशन के फैक्ट को नोट करना नेसेसरी है। अगर एक्सिस
अनचेंजेड रहती है तो प्लस वन के फॉर्म में असाइनेटेड किया जाता है। अगर ये अपनी पॉसिबल चेंज करता है तो इसे ज़ीरो से असाइनेट किया जाता है। यदि ये रिवर्स पोजीशन लेता है तो इसका कैरेक्टर माइनस वन हो जाता है। आगे देखेंगे, कैरेक्टर टेबल दिया है, नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम EC2, तो EC2 सिग्मा वी एक्स जेड और ये क्या है सिग्मा वी वाई जेड है, ठीक है। तो नंबर ये आप टेबल देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं एक एक चीज़ नहीं समझाऊंगी आपको। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ऐड कर लीजिए, कब आगे देखते हैं। अब रिडक्शन फार्मूला का यूज़ करके टोटल कैरेक्टर को अनरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर गामा फोटोन दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा बराबर 3A1 प्लस 1A2 प्लस 2B2 प्लस 3B1 मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसलिए यहाँ पर डिफ्रेक्शन सिमेट्री के साथ वाइब्रेशनल फ्रीडम के टोटल नो मोड होंगे। ये वाइब्रेशनल रोटेशन एंड ट्रांजिशनल को इंक्लूड करते हैं। ट्रांजिशन मोड की सिमेट्री कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड के सिमिलर होती है। इट्स मींस B1, B2 और A1 इनके रोटेशन की सिमेट्री रोटेशन एक्सिस RX, RY एंड RZ के कॉरस्पॉन्ड AZ1, B1 और B2 रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी। इस तरह से आगे देखेंगे, टोटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में से 3 रोटेशन एंड 3 ट्रांजिशनल मोड को सबस्ट्रेट माइनस करने पर ओनली 3 वाइब्रेशन मोड प्राप्त होंगे। ये इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं, इस प्रकार H2 मॉलिक्यूल के 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। इनमें 2 वाइब्रेशन A1 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को तथा 1B1 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करते हैं। E1C21 और सिग्मा वी एक्स जेड वन और सिग्मा वी वाई जेड वन, ठीक है। इस तरह से अब देखिएगा, फर्स्ट A1 की सिमेट्री इस तरह से होगी, तो ये H2O का है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर माइनस वन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा। अब यहाँ पर देखेंगे B का, तो B का होगा 3756 सेंटीमीटर माइनस वन असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा, ठीक है। 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। आगे देखेंगे A1 1595 सेंटीमीटर माइनस वन स्ट्रेचिंग होगा, 1 1 1 1। IR एक्टिव ट्रांजिशन के लिए मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए। इट मींस जाई वाइब्रेशनल सेम नॉट जीरो। अब देखेंगे आगे AB3 टाइप मॉलिक्यूल, तो ये होते हैं प्लेनर और पिरामिडल, ठीक है। प्लेनर का एग्जांपल है BCl3, BbR3, SO3, BF3, SP2, CO2 माइनस। ये पिरामिडल का होगा NH3, SP3, PH3, PCl3 और H3O। फर्स्ट का है BF3, प्लेनर वाला देख रहे हैं अभी। तो BF3 में मॉलिक्यूल के IR स्पेक्ट्रम में 3 बॉन्ड NP के 720 सेंटीमीटर माइनस वन, 1502 सेंटीमीटर माइनस वन एंड 480 सेंटीमीटर माइनस वन पर प्राप्त होते हैं। फर्स्ट बॉन्ड कट ऑफ प्लेन बॉन्डिंग A1 जबकि 1502 एंड 480 सेंटीमीटर माइनस वन पर क्रमशः डिग्नेरेटेड स्ट्रेचिंग एंड बॉन्डिंग वाइब्रेशन में ई बॉन्ड प्राप्त होते हैं। रमन स्पेक्ट्रम में 888 सेंटीमीटर पर एक इंटेंस बॉन्ड A1 सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग IR इनएक्टिव प्राप्त होता है, जो IR इंडेक्ट होता है। IR स्पेक्ट्रम 400 सेंटीमीटर माइनस वन के कॉरस्पॉन्ड रमन स्पेक्ट्रम में भी
8.88 सेंटीमीटर माइनस 1 पर एक पीक प्राप्त होती है। ग्रुप थ्योरी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने पर रिप्रेजेंटेशन पर टोटल कैरोटेड ऑप्टेन होता है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे देखेंगे हम। T1A1 प्लस A2 प्लस AB2 प्लस 3F1 और वन प्लस 1E11 वाइब्रेशनल ऑफ ट्रांजिशनल को सबस्ट्रेट करने पर वाइब्रेशन का टोटल कैरेक्टर ऑप्टेन होता है 3N-6 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 बराबर 12 माइनस 6 तो बराबर 6 आ जाएगा। आगे देखेंगे। अब इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1 A2 एंड डबल डिग्नेशन 2E2 इस प्रकार 4 वाइब्रेशनल को बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे। AI वाइब्रेशनल IR इनएक्टिव है, बाकी IR एक्टिव है। BF3 मॉलिक्यूल के 3 IR बॉन्ड प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे AB3 मॉलिक्यूल, सेकेंड नंबर का है NH3। इसी प्रकार AB3 टाइप के पैरामीटर मॉलिक्यूल अमोनिड NH3 यानी C3V पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करता है। C3V पॉइंट ग्रुप के केस में वाइब्रेशनल का टोटल कैरेक्टर फाइंड किया जाता है और ये 12 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस करता है, जैसे कि ये इस तरह से, ये इसका पैरामीटर है, ठीक है। ये आगे देखेंगे, ये टेबल दिया गया है, तो ये टेबल देख लीजिएगा आप। यहाँ पर टी बराबर 3A1 प्लस वन ए टू प्लस 1 प्लस 4E रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन के कॉरस्पॉन्ड सबस्ट्रेट माइनस 1 करने पर NH3 मॉलिक्यूल के 6 पॉसिबल वाइब्रेशन प्राप्त होते हैं, जैसे कि 4 × 3 − 6 बराबर 6, जिसमें से 2A1 के कॉरस्पॉन्ड 2F स्पेसी डबल डिग्नेट सॉरी डीजनरेटेड 2 × 2 बराबर 4 है, इसलिए 4 है 2 + 4 बराबर 6। अब यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं ये, ठीक है, इस तरह से, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको डायग्राम में बना कराना है, एग्जाम में बना कराना है। आगे देखेंगे। सभी 6 वाइब्रेशनल इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करते हैं, ये IR एक्टिव है, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। आगे फिर आगे देखते हैं। 3 नंबर में है AB4 टाइप के मॉलिक्यूल, ये होते हैं टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है। पॉइंट ग्रुप में टेट्राहेड्रल sp3 होगा, पॉइंट ग्रुप में D4H, DSP2 और SP2D होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल दिए गए हैं इस तरह से, CH4, CCl4, NH4 प्लस आयन, SO4 2 माइनस आयन, ClO4 पर क्लोराइड, PP4 आयन, मेटल कॉम्प्लेक्स NiCO4, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है, पॉइंट ग्रुप है D4H, DSP2, SP2D। एग्जांपल है XEF4, ICL4, SF4, CH2, H2 और यहाँ पर PTCl4 माइनस वन सॉरी टू टू माइनस और AUCl4, NiCN4 2 माइनस। अब इसके आप ये देख सकते हैं NiCO4 और ये PTCl4 2। आगे देखेंगे, ये टेट्राहेड्रल की शेप इस तरह से बनती है और स्क्वायर प्लेनर की इस तरह से बनती है, ठीक है। आगे देखते हैं, IR स्पेक्ट्रम 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड होंगे और रमन स्पेक्ट्रम 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड, रमन पेलराइज सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल। अब AB4 टाइप मॉलिक्यूल स्क्वायर को प्लेनर D4H एंड टेट्राहेड्रल TD ज्योमेट्री को शो करते हैं। स्क्वायर कोप्लेनर स्ट्रक्चर के नॉर्मल वाइब्रेशन है AIG, A24, BIG, B24 एंड 2E24 क्लासिफाइड किए गए हैं, जिसमें से B24, IR एंड रमन बोथ
इनएक्टिव होता है, जिसकी A24 F24 मोड IR एक्टिव एंड AIG BIG B2G मोड्स रमन एक्टिव होते हैं। इसी प्रकार से टेट्राहेड्रल होते हैं। इसी प्रकार से AB4 मॉलिक्यूल के 4 नॉर्मल मोड यानी A1 प्लस E प्लस 2 F2 रमन एक्टिव होते हैं। एनली F2 मोड IR एक्टिव होता है। IR स्पेक्ट्रम में O3 बॉन्ड वेरी इंटेंस एंड ब्राइट होता है। आगे देखते हैं, आगे ये कैरेक्टर टेबल दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको बना लीजिएगा, एग्जाम में आप नोट्स बना रहे उस समय भी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी इसलिए मैं नहीं बता रही ज़्यादा। टी बराबर A1 प्लस ई प्लस T1 प्लस 3 T2, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्बन साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े गए हैं, जुड़े हुए इस तरह से यहाँ पर भी, तो V1A1 AsYsTr, ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम देख लीजिएगा, ये और ये दो, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अब आगे कह रहा है कि मेथेन CH4 मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन के टोटल कैरेक्टर जिसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन फ्रीडम को प्राप्त किया जा सकता है TD पॉइंट ग्रुप पर ऑपरेशन को इस प्रकार परफॉर्म करते हैं T1 एंड T2 के कोरस्पोंड रोटेशनल एंड के टोटल कैरेक्टर जिसमें मोड ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम को प्राप्त किया जा सकता है TD पॉइंट ग्रुप पर ऑब्जर्वेशन इस प्रकार परफॉर्म करते हैं T1 एंड T2 के कोरस्पोंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन को सब्सट्रैक्ट करने पर रिमेनिंग अवाइब्रेशन, तो 5 × 3 − 6 = 9 A1 FW डिजनरेट एंड T2T ट्रिपलेट यानी 2 × 3 = 6 स्पेसिफिक के कोरस्पॉन्ड होंगे A1 एंड E हायर इनएक्टिव वाइब्रेशन है, जबकि T2 के रिस्पेक्ट 6 वाइब्रेशन IR एक्टिव होंगे। अब मेथेन मॉलिक्यूल के IR स्पेक्ट्रम 3019 cm − 1 यानी असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड 1300 cm − 1 पर आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन से बॉन्ड प्राप्त होते हैं। अब सिमिलरली AB4 टाइप स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल के लिए 9 पॉसिबल वाइब्रेशन होंगे, इनमें से A24 एंड E2 सिमेट्री को बिलोंग करने वाले वाइब्रेशन IR एक्टिव होंगे। आगे देखते हैं, अब स्क्वायर प्लेनर देखेंगे तो XEF4 ICL4 टेट्राहेड्रल प्लेटिनेट PTCL4 मेटल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखते हैं। फोर नंबर में है AB5 टाइप मॉलिक्यूल ABS मॉलिक्यूल के ट्राइंगल बी पैरामीटर प्लेनर ज्योमेट्री रखते हैं, जैसे कि PCL5 AS FS SPCL5 PF5 ट्राइगोनल बी पैरामीटर मॉलिक्यूल C3 3C2 और 3σV अप टू 2S3 एंड सिग्मा एच सिमेट्री एलिमेंट एंड D3H पॉइंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जैसे कि ARE PF3 ASF5 ट्राइगोनल वाई पिरामिडियम मॉलिक्यूल प्रेशर द फॉलोइंग सिमेट्री एलिमेंट्स C3 3σV 2S3 एंड सिग्मा एच सिमेट्री ग्रुप इज D3H। तो इसका ये इस तरह से बना गया है टेबल, ये देख लीजिएगा। इसके आई रेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को फॉलोइंग रिप्रेजेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2A2 प्लस 2E1 और ZE इस तरह से, तो ये 6 × 3 − 1 होगा 12, ठीक है। आगे देखते हैं, अब AB5 मॉलिक्यूल के लिए एक्सपेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन अबव 12 है, जिनमें से 6 वाइब्रेशनल रमन एक्टिव एंड SIR एक्टिव होंगे। लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में PCL5 ट्राइगोनल बी पिरामिडल ज्योमेट्री प्रदर्शित करती है, जिसमें से क्रिस्टलिन स्टेट में आयनिक होती है। टेट्राहेड्रल आयन PCL4 प्लस 4 रमन लाइंस 6 × 7 cm − 1 और 4S1 cm − 1 2 × 4 cm − 1 173 cm − 1 पर प्रदर्शित करता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल आयन PCL6- आयन 3 रमन लीज
लाइंस 358 सेंटीमीटर माइनस वन, 285 सेंटीमीटर माइनस वन एंड 244 सेंटीमीटर माइनस वन प्रदर्शित करता है। इस पॉइंट ग्रुप D3H होता है। अब है लास्ट में AB5 टाइप मॉलिक्यूल। तो AB6 टाइप मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रदर्शित करते हैं। ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल में फॉलोइंग एलिमेंट होते हैं ये इस तरह से, 3C2 एक्सिस, 3C4 एक्सिस, C2 एक्सिस, C6C2 एक्सिस, 4C3, 3C4, 4, 5, 6 इनवर्जन सेंटर और 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा एच और 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा एच। आगे देखेंगे, आगे है सिमेट्री ऑपरेशन 48। सिमेट्री ऑपरेशन ग्रुप कंसिस्ट करते हैं, इसका पॉइंट ग्रुप OH होता है। OH यानी ऑक्टाहेड्रल। इसका नॉर्मल वाइब्रेशनल यह है 3n-6 बराबर 3 × 7-6। तो आप ये देख सकते हैं V1 AIG का, V2 EG, फिर यहाँ पे V4 T4 और VS सॉरी V5 T2G। अब यहाँ पे है V3 T1 TI4 और ये T24, ठीक है, V6 का है ये। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा इन द कैरेक्टर टेबल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देती हूँ, ठीक है। OHe 8C3, 6C2, 6C4, 3C1 बराबर C41, 654, 856, 3 सिग्मा H और ये है सिक्स सिग्मा है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा इतना। आगे देखते, दिस कैन बी रिड्यूस एस अस फॉलो, AIG प्लस FG प्लस TIG प्लस 3T1 4 सॉरी I4 प्लस T2G प्लस टी सॉरी ये 1 है और T24। कैरेक्टर टेबल में स्पष्ट है कि रोटेशनल मोड एंड ट्रांजिशनल मोड T1G एंड T14 रिप्रेजेंटेशन को बिलोंग करते हैं। इन्हें सब्सटेट करने पर हमें 1S वाइब्रेशनल मोड प्राप्त होते हैं जो AIG, EG, T2 और 4 सिग्मा स्पीसीज को बिलोंग करते हैं। T14 IR एक्टिव, T24 IR इनएक्टिव एंड AIG, EG, T2G रमन एक्टिव वाइब्रेशनल है। तो गाइस यहाँ पे है हमारा टॉपिक एंड होता है। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है क्योंकि टॉपिक ही इतना बड़ा था, ठीक है, और मैं आपको आधा उधर कभी नोट्स नहीं बताती, ठीक है, जो भी बताती हूँ पूरा शेयर करती हूँ आपसे, क्योंकि कोई भी आंसर आधा नहीं रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका टॉपिक एंड होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।